स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू मेरा नाम नानकी भवेजा है एंड आई एम फैकल्टी फॉर इकोनॉमी एट स्टडी आई क्यू स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास में बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ इन्फ्लेशन अक्सर आपने इन्फ्लेशन के बारे में न्यूज़ पेपर में पढ़ा होगा काफ़ी सारे आर्टिकल्स या ये एक ऐसी चीज़ें जो हमेशा ही लाइमलाइट में हेडलाइंस में रहता ही रहता है रहती रहती है ठीक है लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं पाते कि वॉट एक्चुअली इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन का क्या मतलब है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसके कॉजेज क्या है वॉट कॉज इन्फ्लेशन इन दी कंट्री सो आज का हमारा जो लेक्चर है हम इसी बारे में डीप डिटेल में बात करने वाले हैं एज टू वॉट इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट एज टू वॉट इन्फ्लेशन इज सो स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन को देखें सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें सो द डेफिनेशन से इज दैट that inflation is defined as a persistent rise in the general price of goods and service. तो ये कैसी चीज है जो आप बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है चीजें महंगी हो रही है So that is what inflation और मुद्रास्फीति is. तो बस यही उसकी definition है तो inflation can be defined as the persistent rise in the general price of goods and service. यहाँ पे एक word है जिसपे हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है which is persistent. Persistent का मतलब क्या हो गया Persistent का मतलब हो गया कंटिन्यूस मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो दिन किसी चीज़ या किसी किसी एक दो दिन के लिए किसी गुड्स या सर्विस में इंक्रीज हुआ प्राइस या फ्लक्चुएशन आया प्राइस में तो आप उसको इन्फ्लेशन नहीं कहोगे इट शुड बी द प्राइस राइज शुड बी परसिस्टेंट द प्राइस राइज शुड बी कंटिन्यूस इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन तो ये वर्ड परसिस्टेंट लिखना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भाई किसी भी गुड के प्राइस में अगर परसिस्टेंट इंक्रीज है अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तभी उसको इन्फ्लेशन कहा जाएगा ठीक है ना इसको एक और तरीका भी है देखने का और वो क्या है इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन दर्चेजिंग पावर ऑफ यूनिट ऑफ नेशंस करेंसी मतलब जब आपके देश की करेंसी की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है उसको भी इन्फ्लेशन कहा जाता है

कोक का कैन या कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक खरीद पाते थे अब उसी पचास रुपए के नोट को आज की तारीख में जब अगर हम रेस्टोरेंट में लेके घुसते हैं जाते हैं तो क्या होता है अब हम सिर्फ एक बर्गर ही खरीद पा रहे तो ये क्या हो रहा है क्या मैं इसको इस तरीके से देखूं कि बर्गर का प्राइस ही इतना इंक्रीज हो गया कि वो नहीं पूरा आ पा रहा या मैं ये कहूं कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपीज उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई पहले क्या थी 2000 में 2000 में में पावर पचास रुपए की नोट की थी कि वो हमें एक कोक का कैन और एक बर्गर दिला देता था वो काबिल था कि हम उसको खरीद सके बट नाउ द परचेजिंग पावर ऑफ वॉट आर डोमेस्टिक करेंसी हैज रिड्यूस अब अगर हम एक पचास रुपए का नोट लेके जाते तो हमारे हाथ में सिर्फ एक बर्गर एकमात्र बर्गर ही आता है तो बस यही डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की इन्फ्लेशन कुड बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट राइज इन द प्राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विस या फिर इट इज इट इंडिकेट्स डिक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ द यूनिट ऑफ नेशनल करेंसी और हमारी नेशनल करेंसी क्या है इंडियन रुपीज़ अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है तो स्टेप वन की अगर बात करें तो हमें वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई करने होते हैं जो हम अपनी रोज की रूटीन में कंज्यूम करते हैं जैसे कि फूड जैसे कि फ्यूल जैसे कि हाउस जैसे कि कपड़े ठीक है ना हम वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एक बास्केट में डाल देते हैं इस तरीके से ठीक है ना अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए मान लीजिए बेस ईयर में बेस ईयर में अभी बेस ईयर की बात करेंगे तो मान लीजिए 2011 में अगर ये बास्केट जिसमें ये सारे गुड्स एंड सर्विस जो हम कंज्यूम कर रहे थे इसकी प्राइस अगर कैलकुलेट करें तो फॉर एग्जांपल ये आ रही थी सौ रुपये अब यही बास्केट सेम बास्केट जिसमें ये गुड्स एंड सर्विस जो मैं कंज्यूम करी थी ये सेम बास्केट मुझे 2022 में या 2021 में या 2023 में खरीदनी हो तो मुझे उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे ठीक है ना तो मान लीजिए कि 2000 में 2011 में वो बास्केट आ रही थी सौ रुपये में कुल मिला के सौ रुपए में वो जो बास्केट है वो आ जाती थी उस बास्केट में क्या था जो गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं उसको उसमें डाल दिया उसका टोटल प्राइस कैलकुलेट किया और वो आया सौ रुपये अब दो अभी दो सन दो चल रहा है ठीक है ना अगस्त का महीना चल रहा है 2022 में जब हम उसी बास्केट की वैल्यू अगर मुझे वो सेम बास्केट खरीदनी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो मान लीजिए वो बास्केट अब आ रही है एक सौ की तो कितना हुआ इन्फ्लेशन तो बचपन में हम परसेंटेज सीखते थे कि भाई किसी भी चीज का हमें डिफरेंस सो बचपन में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते थे कि भाई कितना परसेंटेज चेंज आया है तो कैसे निकालेंगे सिंपल मैथ्स 120 सौ बीस माइनस सौ डिवाइडेड बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड तो मतलब इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज द प्राइज हैज़ इंक्रीज बाय 20 परसेंट क्यों और कैसे भैया सौ रुपये की बास्केट थी अब खरीद रहे हैं तो 120 की आ रही है तो बीस रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 100 20 डिवाइडेड बाय 100 इन टू हंड्रेड इज वॉट इज ट्वेंटी परसेंट सो मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है इन्फ्लेशन इज दिस वे हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइट नाउ इज ट्वेंटी परसेंट या बीस परसेंट महंगाई बढ़ गई है इन कम्पेरिजन विद दी ईयर टू थाउजेंड इलेवन सो दिस इज हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड ये स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है आपकी नॉलेज के लिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक एक वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैंने आपको समझा दिया आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशेंट तो ये हमने देख लिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है ठीक है ना इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं चलिए आइए अब बात करते हैं कि क्या रीजन्स है वॉट आर दी रीजन्स बिहाइंड कॉजिंग ऑफ इन्फ्लेशन सो इन्फ्लेशन के दो मेजर कारण होते हैं फर्स्ट इज फर्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा इज डिमांड पुश दूसरा इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट इंक्रीज होने से और डिमांड इंक्रीज होने से दूसरा वजह है अब ये कैसे वर्क करते हैं आइए इसको भी देख लेते हैं कि क्या कह रही है हमारी किताब हमारी किताब में क्या लिखा है अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है इट अकर्स वेन देर इज टू मच मनी वेन देर इज टू मच मनी चेजिंग लेस गुड्स तो ये तो लिटरल डेफिनेशन हो गई हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना हम तो सीधा पहले एग्जाम्पल से समझेंगे तो आइए देखते हैं कि किताब में जो हमारी स्टडी आई क्योंकि बुक है जिसको हम अपना रेफरेंस मटेरियल बना के चल रहे हैं उसमें क्या एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है बड़ी ईजिली शायद आपको ये समझ आएगा ठीक है दो एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो एग्जाम्पल ये कह रहा है कि मान लीजिए आपने अक्सर अक्सर हम ऐसे करते थे जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम सेकेंड हैंड बुक्स खरीदते हैं किससे अपने सीनियर से तो अब आप क्या हैं अब आप बन चुके हैं सीनियर ठीक है ना आप बन चुके हैं सीनियर सीनियर का नाम भी दे देते हैं राहुल सो so, राहुल इज अ सीनियर जिसको अपनी किताबें बेचनी है जो नए जूनियर्स आए हैं तो राहुल के पास एक इकोनॉमी की किताब है इकोनॉमी की किताब है जिसकी वैल्यू थी सौ रुपये ठीक है ना ए बी सी डी चार जूनियर्स हैं जिसको ये किताब चाहिए और सौ रुपए की किताब थी आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि ये है, ये किताब किसको बेचेंगे इनमें से जो इसका प्राइस सबसे ज्यादा कोट करेगा मान लीजिए ए बोल रहे थे कि सौ रुपए की किताब लीजिए सौ रुपए और ये किताब दे दीजिए वेर उसी टाइम उसी टाइम बी आके बोलिए नहीं नहीं ये लो एक सौ दस रुपए सी बोले नहीं 115 और डी बोले नहीं मैं तो एक सौ रुपए देने को तैयार हूं या एक सौ रुपए देने को तैयार हूं लेकिन ये किताब तो मुझे ही चाहिए अब ये ऐसा क्यों हो रहा है आप सोच के देखिए थोड़ा सा कि ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई कि ये जो किताब सौ रुपए की है उसका कोई एक सौ बीस देने को भी तैयार हो चुका है द रीज़न जब आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाल के देखेंगे और सोचेंगे वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो किताब की सप्लाई है द सप्लाई ऑफ बुक डिमांड सप्लाई इज लेस देन डिमांड मतलब डिमांड ज्यादा है किताब की चार लोग कतार में खड़े हैं एक ही किताब खरीदने के लिए एक ही मार्केट में सिंगल पीस अवेलेबल है जो राहुल के पास है और जबकि आप देखो कितने लोग खरीदना चाहते हैं तो जो डेफिनेटली सबसे ज्यादा उसका प्राइस देगा वो किताब ले जाएगा तो क्या हो रहा है डिमांड ऑफ द बुक ज्यादा है उसकी सप्लाई कम है यही यहाँ पे अगर चार बुक्स अवेलेबल होती राहुल के पास इकोनॉमी की तो आपको लगता है कि कोई एक सौ देता सब बोलते कि भैया सौ रुपये लो और राहुल को भी होता कि पता नहीं चार किताबें मुझसे बिकेंगी कि नहीं जितने बिखरे बिखरी है जितने पैसे मिल रहे हैं इसको बेचो और काम ख़त्म करो बट ये सारा सिनारियो ही क्यों हो रहा है क्योंकि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है सप्लाई से पीपल आर रेडी टू तो गिव मोर मनी टू तो गेट दैट बुक चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं इसके बाद तो पक्की बात है आपको समझ आ जाएगा तो ये हमारा एग्जाम्पल था जो जूनियर और सीनियर वाला ये हमारी बुक में था एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको याद है जब कोविड स्टार्ट हुआ था जो फर्स्ट वेव ऑफ पैंडमिक आई थी उस टाइम मार्केट में अचानक से एक चीज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी वो था सैनिटाइजर उससे पहले सैनिटाइजर कोई पूछता भी नहीं था हमारी मम्मी बोलती रहती थी कि सैनिटाइज़र यूज़ कर लो बेटा ट्रैवल करते हो मेट्रो से जाते हो बस से जाते हो पब्लिक व्हीकल यूज़ करते हो तो कीप सैनिटाइज़र विद यू हम सोचते ही सुनते ही नहीं थे ध्यान ही नहीं देते थे मैं मम्मी कौन यूज़ करेगा सैनिटाइजर बट जैसे ही कोविड आया उस टाइम डॉक्टर्स ने उस टाइम जितने भी इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया कि यू शुड यूज़ सैनिटाइज़र तो उस टाइम क्या बढ़ गया उस टाइम बढ़ गई डिमांड सैनिटाइजर की तो जो डिमांड है वो बढ़ गई ठीक है और सप्लाई जो थी सैनिटाइजर की सप्लाई थी वो उतनी थी क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि अचानक से इतनी डिमांड बढ़ जाएगी सैनिटाइजर की तो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई रही कांस्टेंट तो क्या हुआ कुछ फ्यू जो सैनिटाइजर अवेलेबल थे मार्केट में उसको कितने सारे लोग चेज कर रहे थे बहुत सारे लोग तो धीरे 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 केमिस्ट को समझ आने लग गई और उन्होंने सैनिटाइजर उन्हीं को दिया जो उसका ज़्यादा प्राइस देने को तैयार था तो फिर से फिर से अगर आप लॉजिक लगाएं इसके पीछे तो एक्चुअली हो क्या रहा है हो यही रहा है कि इस टाइम इन्फ्लेशन इस टाइम महंगाई इन्फ्लेशन क्या होता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कौन सा इंक्रीज परसिस्टेंट इंक्रीज बताया था ना कि परसिस्टेंट वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइस इस टाइम क्यों हो रहा है बिकॉज द डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है और उस वजह से अगर इन्फ्लेशन आ रही है इकोनॉमी में सो दैट इज दैट इज वॉट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक और रीजन देखते हैं मैंने आपको बताया था ना दो तरीके से इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के खैर बहुत सारे होते हैं हैं हम मेजर मेजर दो पढ़ रहे आर द टू ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट वन डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड ज्यादा और सप्लाई उतनी मैच नहीं कर पा रही उस वजह से अगर इंक्रीज हो रहे हैं प्राइजेस सो दैट इज वॉट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन अब चलते हैं बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है सो वेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो उसमें बहुत सारी रॉ मटेरियल यूज़ होता है लेबर यूज होता है मशीनरी यूज होता है व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस लीडिंग टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड बहुत बार होता है कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते थे फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ गुड जैसे कि अभी फर्टिलाइजर अभी एकदम रियल टाइम एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी ये हमारी इंडियन इकोनमी इस चीज़ को फेस कर रही है फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है नेचुरल गैस नेचुरल गैस के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है हम रशिया पे डिपेंडेंट और रशिया में क्या चल रहा है वॉर चल रही है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो रशिया से क्या हो रहा है इंपोर्ट हम इंपोर्ट कर रहे थे तो रशिया ने अभी एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है जिसकी वजह से इंपोर्ट लिमिटेड है अब मिल ही नहीं रहा है रॉ मटीरियल रॉ मटीरियल महंगा हो रखा है क्योंकि वहां पर तो वॉर चल रही है रशिया नेचुरल गैस बनाने में बिजी नहीं है रशिया यूक्रेन को एक्वायर करने में बिजी है तो इससे क्या हो रहा है इससे इससे जो नेचुरल गैस इससे नेचुरल गैस का जो प्राइस है इससे नेचुरल गैस का प्राइस है वो बढ़ रहा है और नेचुरल गैस क्या था एक रॉ मटेरियल था विच इज़ यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र भाई अब जब रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर यही सिचुएशन मोस्ट ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल हो जाए कंट्री में तो दैट इज व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन अगेन फिर से जाती हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन सा इंक्रीज परसिस्टेंट इंक्रीज़ तो अब जो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है और उसका रीज़न ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वेदर इट इज ड्यू टू लेबर वेदर इट इज ड्यू टू रॉ मटीरियल वेदर इज इट इज ड्यू टू टैक्सेस एनी थिंग विच इज एडिंग और इन लीडिंग टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वॉट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सो कॉस्ट किस किस वजह से और क्या वजह है जिनकी वजह से जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है सो बेसिकली सो बेसिकली देर आर थ्री देर आर थ्री रीजनस जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है फर्स्ट इज इंक्रीज इन वेजेस भाई जितने हमारे यहाँ लेबर काम करती थी उन्होंने अचानक से हल्ला कर दिया हमारी तनख्वाह बढ़वाओ वरना हम चले तो जब वेजेस बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है जिस पे हम एमआरपी जिसको कहते हैं जिस पे हम एक रिटेल कस्टमर को बेचते हैं वो भी इंक्रीज होगा ठीक है नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन भाई पहले जब मान लीजिए मेरी एक दुकान है ठीक है ना और मैं उस दुकान में क्या बेचती हूँ तेल बेचती हूँ ठीक है ना आई एम सेलिंग ऑयल अर्लियर आई यूज टू कीप प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी रुपीज पर लीटर बट अब मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया है फोर्टी रुपीज पर लीटर कर दिया है तो इससे इसका क्या इफेक्ट आएगा एम आर पी पे डेफिनेटली पहले एक सौ बीस रुपए में बिकता था तेल लेकिन अब मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया जिसकी वजह से जो फाइनल <coughs> प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया नाउ दैट इज अवेलेबल फॉर वन फोर्टी रुपीज तो इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन कुड ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन दी प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट एंड लास्ट इज इंक्रीज इन दी इंक्रीज इन दी प्राइज ऑफ इंक्रीज इन दी प्राइज ऑफ रॉ मटेरियल तो अब अगर रॉ मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए अगर वो ही महंगा हो रहा है तो डेफिनेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू पे भी डिफरेंस आएगा और जब ऐसी सिचुएशन होती है जब इंक्रीज इन कॉस्ट की वजह से महंगाई बढ़ रही है दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था ना इजी कुछ भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था तो आज के बाद मेरे को नहीं लगता जब आप इन्फ्लेशन के बारे में कभी भी कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको वो डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड एज टू वॉट इन्फ्लेशन इज उसको किस तरीके से समझना है इन्फ्लेशन कैलकुलेट क्यों होता है और कैसे होता है एज वेल एज वॉट आर द रीजन तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा वॉट डू यू थिंक कि अभी जो इंडिया बिकॉज अभी इस टाइम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इन्फ्लेशन से निकल रही है इन्फ्लेशन इज़ समथिंग जो ग्लोबली अराउंड मोस्ट ऑफ द इकॉनमीज़ आर गोइंग थ्रू जैसे कि यूएसए जैसे कि जापान जैसे कि इंडिया तो इंडिया में इफ आई हैव टू आस्क यू इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि इंडिया में जो अभी इन्फ्लेशन है व्हाट इज द रीजन फॉर दैट इन्फ्लेशन इज इट इज इट दी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन है या इट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड ज्यादा है, है, है प्रोडक्ट की और सप्लाई कम है इस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन है सो आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर आंसर इन दी कमेंट बॉक्स की मैं देख सकूं आप कितना समझ पा रहे हो क्या मेरी मेहनत सफल भी हो पा रही है आपको चीज़ें समझाने के लिए या नहीं चलिए बात करें अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी की किताब की अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो टू अमेजोन या फ्लिपकार्ट टू बाय दिस पर्टिकुलर बुक अगर <coughs> घर बैठे चाहते हैं डिलीवर हो जाए तो फोर ट्वेंटी फाइव रुपीज़ में द बुक विल बी डिलीवर टू यू बुक को ही रेफरेंस मटेरियल बना के समझ के मैं आपको चीज़ें पढ़ा रही हूँ एग्जांपल्स इफ़ यू टॉक अबाउट दैन डेफिनेटली वहीं से एग्जांपल्स लेके सीधा आपको समझा रही हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो और ज़्यादा बेटर हो जाए अगर आपको सेशन का पी चाहिए सो यू नो वॉट इज़ दी गो टू प्लेस फॉर यू इट इज़ दी माई सो यू नो वॉट इज़ दी गो टू प्लेस फॉर यू इट इज़ माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ इकोनमिक्स विद नान की अगर अपडेट रहना चाहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों से कि एडिटोरियल कौन सा पढ़ना है नोट्स कैसे बनाने हैं देन माई इंस्टाग्राम पेज इज़ दी गो टू आई डी फॉर यू विच इज़ नान की अंडर स्कोर बी ट्वेंटी टू तो स्टेट यून फॉर मोर सच वीडियोज़ क्योंकि हम अभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं हम बहुत सारे टॉपिक्स अपनी इसी सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं सो से स्टेट यून फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल